गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियोस तक हम लोग बात कर रहे थे अर्थपोड़ा के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, अर्थपोड़ा के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, जिसमें हमने कुछ बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस देखी और कुछ हार्मफुल देखी थी। हार्मफुल में हमने फर्स्ट देखा था जो कि घर में रहने वाली चीज़ों को ख़राब करने वाले जीव होते हैं अर्थपोड़ा के, उनको, हाउस होल्ड इंसेक्ट्स को देखा था। सेकेंड हमने बात की थी जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, इनके लिए हानिकारक जो जीव होते हैं आर्थ्रोपोडा के, उनको देखा था। आज हम देखने वाले कुछ रोगवाहक को, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मलेरिया की, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मलेरिया की, मलेरिया रोग का जो रोगवाहक होता है वो क्या होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक रोगवाहक की तरह काम करता है जो कि प्लाज्मोडियम को मनुष्य के शरीर तक लाने का कार्य करता है। इसी प्रकार से डेंगू जो होता है वो एडीज इजिप्टाई से होता है, एडीज इजिप्टाई उसका रोगवाहक होता है, तो रोगवाहक होता है। इसी प्रकार से जो सैंड फ्लाई होती है, बालू रेत की मक्खी होती है वो, और टिस्टिस फ्लाई जो होती है, लिशमानिया डोनोवाई टिस्टिस फ्लाई, जो कि आपकी स्लीपिंग सिकनेस को करने का काम करती है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रोगवाहक की तरह कार्य करते हैं। तो थर्ड हम लोग डाल सकते थे इसमें, थर्ड हम लोग डाल सकते हैं रोगवाहक, डिजीज कैरियर। डिजीज कैरियर, ठीक है ना, रोगवाहक। तो इसमें हमने बात किया कुछ कुछ आर्थ्रोपोडा के जंतु विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं पैथोजन्स के लिए रोगवाहक का कार्य करते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं मलेरिया रोग की, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं मलेरिया रोग की, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट हम लोग लिखते हैं मादा एनोफिलीज, यहाँ पे वाहक डाल देता हूँ, मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है ना, मादा एनोफिलीज मच्छर। रोग की यदि बात की जाए तो ये रोग क्या करता है, मलेरिया नामक रोग को करने का काम करता है, ठीक है ना। जो इसका जीव है, रोग कारक, रोग कारक की यदि बात की जाती है तो रोग कारक होता है इसमें प्लाज्मोडियम। रोग कारक होता है इसमें प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। और परपोषी जिसपे रोग करता है वो होता है इसका मानव, ठीक है ना। तो हमने पहले भी देखा है किसी भी गंदी जगह पर, किसी भी कंटेमिनेटेड प्लेसेस पर क्या होंगे, ये जो प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजोआ का जीव है एक, ये उत्पन्न होगा स्पोर्स के रूप में पाया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के चलन अंग नहीं होंगे, ठीक है ना। वहाँ पर उसी स्थान पर यदि मादा एनोफिलीज मच्छर पाया जाता है, मादा एनोफिलीज मच्छर पाया जाता है तो क्या होगा, ये मादा एनोफिलीज मनुष्य तक इसको लेकर आएगा, और लेकर आने का कार्य क्या कहलाएगा, वाहक कहलाएगा। लेकर आने के कारण क्या कहलाएगा, वाहक कहलाएगा, ठीक है ना। सेकंड हमने बात की डेंगू के लिए, एडीज इजिप्टाई, एडीज इजिप्टाई मच्छर, ठीक है ना।
इसमें रोग की यदि बात की जाती है एडीज इजिप्टाई में, तो रोग कर सकता है ये आपका डेंगू, ठीक है ना। इसका जो रोग कारक होता है वो होता है अल्फा वायरस, अल्फा वायरस परपोषी। वापस से क्या होता है, मानव ही होता है, यहाँ पे मानव में क्या करता है, डेंगू नामक रोग उत्पन्न करता है। इसका जो रोग कारक होता है पैथोजेनिक एजेंट, ये होता है अल्फा वायरस, ये होता है अल्फा वायरस, ठीक है ना। थर्ड यदि बात की जाए, थर्ड हम बात कर सकते हैं क्यूलेक्स मच्छर की, क्यूलेक्स मच्छर की। रोग की यदि बात की जाए, रोग करेगा फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस नामक क्या करेगा, रोग को करने का काम करेगा। ये लेकर आएगा एक कंटेमिनेटेड प्लेस से, कंटेमिनेटेड प्लेस से, जो एक नेमेटोड होता है, हमने बात की है जैसे कि प्लेटी हेलमंथीस की हमने बात की, इसका एक जंतु होता है वाउचेरिया ब्रंकोफ्टाई, इसको वुचेरेरिया, वुचेरेरिया ब्रंकोफ्टाई। उचेरेरिया ब्रंकोफ्टाई। परपोषी क्या होगा यहाँ पे, मानव। परपोषी क्या होगा यहाँ पे, मानव होगा। एक होता है सीसी मक्खी, एक क्या होती है सीसी मक्खी, ये क्या करती है, काला अजर करने का काम करती है, काला अजर करने का काम करती है मनुष्य के अंदर। तो हम बात कर सकते हैं ओके, उससे पहले हम लोग बात कर सकते हैं सी सी मक्खी, ठीक है ना। ये करती है काम किस पे, ट्रिपेनो सोमा, सॉरी रोग का नाम है ना, रोग का नाम होता है यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग, निंद्रा रोग। जो इसको रोग कारक होता है वो होता है ट्रिपेनो सोमा, जो कि क्या है, एक प्रोटोजोआ का जंतु है। परपोषी इसके लिए भी क्या होगा, मानव। परपोषी इसके लिए भी क्या होगा, मानव ही होगा। फिर फोर्थ नंबर की यदि बात की जाए, एक होती है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई ये करती है काला अजर, ये करती है काला अजर, ये लेकर आती है एक प्रोटोजोआ का जीव लिश्मानिया, डोनोवली, ठीक है ना, जिसमें ब्लड का रंग काला हो जाता है, कुछ समय पश्चात ही क्या होगा, वापस से सही हो जाएगा। तो एक लिश्मानिया डोनोवली को मनुष्य के शरीर तक, मनुष्य के शरीर तक लेकर आने का काम कौन करती है, सेंड फ्लाई करती है, ठीक है ना। फिर बात की जाती है जैसे कि टिटनेस की यदि बात की जाए, टिटनेस रोग की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, टिटनेस रोग की हम लोग बात करते हैं, तो पिस्सू, पिस्सू की हमने बात की, पिस्सू क्या रोग कर रहा था यहाँ पे, टिटनेस, टिटनेस रोग कर रहा था। ये लेकर आते हैं किसको, यरसीनिया, यरसीनिया पेस्टिस को, यरसीनिया पेस्टिस को ये क्या होगा, लेकर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मानव के अंदर क्या करेगा, प्लेग टिटनेस, सॉरी प्लेग नामक रोग, प्लेग नामक रोग उत्पन्न करेगा, प्लेग नामक रोग उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार से जो पेडिकुलस होता है, इसी प्रकार से जो क्या हो, पेडिकुलस, पेडिकुलस, पेडिकुलस ये रोग उत्पन्न करेगा टाइफस,
टाइफस, फीवर, टाइफस फीवर को उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। ये लेके आएगा रिकेट्सिया को, रिकेट सिया नाम के जीव को, जो कि क्या है, एक प्रोटोजोअन है, जो कि क्या है, एक प्रोटोजोअन है मानव के अंदर, टाइफाइड या टाइफर्ड ज्वर को उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार से एक होता है जीवाणु विब्रियो कॉलरी, एक जीवाणु होता है विब्रियो कॉलरी, जो कि मनुष्य के शरीर में हैजा करने का काम करता है। ये होता है मस्का डोमेस्टिका, जो कि घरेलू मक्खी होती है, इसके द्वारा। मस्का मस्का डोमेस्टिका, ठीक है ना। मस्का डोमेस्टिका क्या कर रही थी, यहाँ पे हैजा करने का काम कर रही थी, ठीक है ना। हैजा नामक रोग उत्पन्न करने का काम कर रही थी, जो कि होता है विब्रियो कॉलेरी से, विब्रियो कॉलेरी से होता है मनुष्य के अंदर, या कह सकते हैं मानव के अंदर ही होगा। ये विब्रियो कॉलेरी क्या है, एक बैक्टीरिया है। विब्रियो कॉलेरी क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने बात की, फिर मादा एनोफिलीज जो मच्छर था, ये मलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। ये रोग, इस रोग कारक, रोग वाहक होता है किसका, प्लाज्मोडियम का। सेकेंड रोग वाहक के रूप में हमने बात किया एडीज इजिप्टाई, फीमेल मच्छर हैं सारे के सारे, एडीज इजिप्टाई की, जो कि अल्फा वायरस को मनुष्य के शरीर तक लेकर आने का कार्य करता है। थर्ड हमने बात किया क्यूलैक्स, थर्ड हमने बात किया क्यूलैक्स की। क्यूलैक्स भी क्या है, एक मच्छर है, मॉस्क्यूटो है। ठीक है ना, क्यूलैक्स, क्यूलैक्स कि हमने बात की, ये क्या करेगा, रोग फाइलेरियासिस करेगा, जो कि वाउचेरिया बैंकोफ्टाई के द्वारा होता है, जो कि किसके, वाउचेरिया बैंकोफ्टाई के द्वारा मनुष्य के अंदर होगा। फोर्थ हमने बात की है, फोर्थ हमने बात की स्लीपिंग सिकनेस की, जो कि होती है सीसी टिस्टिस फ्लाई के द्वारा। टिस्टिस फ्लाई जो होगी, एक प्रोटोजोआ का जंतु, ट्रिपनोसोमा को मनुष्य के शरीर तक लेकर आने का कार्य करेगी। नेक्स्ट होती है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई जो होती है, ये लिश्मानिया डोनोवली नामक प्रोटोजोआ के जीव को, लिश्मानिया डोनोवली नामक प्रोटोजोआ के जीव को मनुष्य के शरीर तक लाने का काम करेगी, जिससे मनुष्य के शरीर का जो रक्त है, खून है, ब्लड है, इसका जो कलर है, क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। मनुष्य के लिए क्या है, हानिकारक है। नेक्स्ट हमने बात की पिस्सू, पिस्सू क्या करता है, प्लेग के लिए रोगवाहक का कार्य करता है। प्लेग होता है यर्शिनिया पेस्टिस या पाश्चुरेला पेस्टिस नामक बैक वायरस के द्वारा, यर्शिनिया पेस्टिस या पाश्चुरेला पेस्टिस नामक वायरस के द्वारा यह होगा। इसको पिस्सू मनुष्य के शरीर तक लाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट हमने बात की पेडिकुलस की, नेक्स्ट हमने बात की पेडिकुलस, जो कि क्या कर रहा है, मनुष्य के शरीर में टाइफस फीवर को उत्पन्न करने का काम कर रहा है, और ये काम करता है रिकेटशिया जो प्रोटोजोआ है, इसको, प्रोटोजोआ है जो इसको मनुष्य के शरीर तक लाने का कार्य करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने बात की मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका जो है, ये क्या कर सकती है, बॉडी के अंदर हैजा भी कर सकती है, कॉलेरा जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, कॉलेरा भी कर सकती थी, और ये डिसेंट्री भी कर सकती थी, ठीक है ना, डायरिया जिसे बोलते हैं, डायरिया वगैरह भी कर सकती है। दोनों कंडीशंस में ये काम करती है मस्का डोमेस्टिका, जिसे हम लोग घरेलू मक्खी बोलते हैं। इसने काम किया था विब्रियो कॉलेरी, जो जीवाणु था हैजे का, इसको मनुष्य के शरीर तक लाने का कार्य किया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये जो आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं, आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट्स हैं, ये रोग वाहक की तरह भी कार्य करते हैं, कॉजिटिव एजेंट, या कह सकते हैं हम लोग पैथोजेनिक एजेंट की तरह भी ये कार्य करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे।